हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पोस्टर डिज़ाइन करना बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवरात्रि आने वाली है, तो उसके लिए मैंने एक पोस्टर डिज़ाइन किया है। इस फेस्टिवल पोस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने डिज़ाइन के लिए कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने इमेजेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसका कलर, उसका फॉन्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी डिटेल में, और इसकी हेल्प से आप अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे A4 साइज लिया है। उसके बाद हम अपने डिज़ाइन के लिए कलर सेलेक्ट करेंगे, और उसके लिए मैं सॉलिड नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर यूज़ करूँगी। और ग्रेडियंट हम ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर फेस्टिवल पोस्टर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको डार्कर शेड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये गॉड को रिप्रेजेंट करता है और जो डार्कर शेड होता है उसमें आपका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होता है। तो मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने बैकग्राउंड का कलर इमेजेस में से भी पिक कर सकते हैं जो आप इस डिज़ाइन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। मैं उनको ओपन कर रही हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो इस इमेजेस में से भी अपने कलर को पिक कर सकते हैं। मैंने इन्हीं की शेड का यूज़ किया है कलर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करूँगी जिससे हमारा बैकग्राउंड खाली ना लगे, क्योंकि हम फेस्टिवल पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी साइज़ का एक डॉक्यूमेंट लेना है, और यहाँ से मैं एलिप्स टूल सेलेक्ट कर रही हूँ, और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। और यहाँ से बैकग्राउंड मैं इरेज कर रही हूँ, डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ पे आपको ये शेप दिख रही है। अभी के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फिल कर रही हूँ डार्क शेड का, जिससे आपको वाइट शेप नज़र आ जाए। और इसकी आपको एक डुप्लीकेट लेनी है। उसके बाद हम इन दोनों शेप को मर्ज कर देंगे। उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल ई, और ये मर्ज हो जाएगा। और इसकी एक डुप्लीकेट ले लेंगे हम कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। तो आपको इस तरीके से एक शेप क्रिएट करनी है। और अब हम इसका बैकग्राउंड डिलीट कर देंगे, और जो हमारा कैनवस का साइज है उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। उसके लिए आपको प्रेस करना है सी, और इसको ड्रैग करके आप यहाँ से छोटा कर देंगे। और ये हमारा पैटर्न है जो भी हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। उसके बाद आपको जाना है विंडो में, एंड यहाँ से आपको पैटर्न पे क्लिक करना है, और आपको ये इस तरीके का एक विंडो मिलेगा, और यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है, और इसको हम रीनेम कर देंगे, और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट पे आना है, और यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे एक शेप क्रिएट करेंगे पूरे बैकग्राउंड के ऊपर। क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट किया था उस पर आपको क्लिक करना है, तो ये क्या करेगा, इसमें ऐड हो जाएगा। और इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है। आपको एक पैनल मिलेगा, यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको स्क्रेल करने का ऑप्शन दिखेगा। आप जितना ज़्यादा करेंगे ये उतना ही बड़ा होता जाएगा, तो ये हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे। मैं इसे यहाँ पे 50 रख रही हूँ, और हम इसको ओके करके इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको 20 रख रही हूँ। इसकी वजह से हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत खाली खाली नहीं लगेगा। इसको हम लॉक कर देंगे। उसके बाद अगेन आपको रेक्टेंगल टूल लेना है, और यहाँ पे एक शेप क्रिएट करनी है सेंटर में। यहाँ से हम पैटर्न को ऑफ कर देंगे, और हमें फिलिंग चाहिए तो अभी के लिए मैं कोई भी कलर फिल कर रही हूँ, और इसे सेंटर अलाइन करेंगे। एंड यहाँ पे आपको साइज दिया हुआ है विड्थ और हाइट का। यहाँ पे मैं विड्थ ले रही हूँ 1988, और इसे सेंटर अलाइन कर देंगे।
इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इसका साइज है यहाँ पे 1909 एंड हाइट आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट हमें कलर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस बैकग्राउंड के साथ कौन सा कलर जाएगा, और हमें थोड़ा ब्राइटर शेड की ओर जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो फिल करके भी चेक कर सकते हैं कि आपके डिज़ाइन में कौन सा कलर फिट बैठ रहा है। आप चाहें तो वाइट फिल कर सकते हैं, बट हमें वाइट नहीं रखना है। आप चाहें तो ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट सेलेक्ट किया है और हम इसमें ग्रेडियंट फिल करेंगे। और इसको अब हमें रिवर्स करना है क्योंकि ब्राइटर वाला शेड हमें ऊपर रखना है। ओके, और उसके बाद आपको सेम इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है। उसके लिए आप कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करके आपको एक छोटी सी लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पे। इस तरीके से इसको थोड़ा सा और पतला कर देंगे। सेम इसकी एक और डुप्लीकेट लेना है आपको और इस साइड भी इसी तरीके से यूज करना है। उसके बाद हमने जो इमेजेस निकाली हुई थी उसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले ये वाली इमेजेस मैं यूज कर रही हूं यहाँ पे, इसकी एक डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे रख रही हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और ये जो हमारी इमेज है इसका कलर थोड़ा सा डल है, उसके लिए इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे और इसे ब्लेंड कर देंगे मल्टीप्लाई में, और उसके बाद थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे इसकी और इसे मर्ज कर देंगे। कंट्रोल ई प्रेस करके आप इसे मर्ज कर सकते हैं। और अगर अब आप देखें तो ये बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मैच कर रहा है ये इमेज, और इसका कलर शेड भी मैच कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है, तो उसके लिए मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ रख रही हूँ और इसमें से हम इसे इरेज कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको इरेज कर देंगे। सेम हम इस इमेज से भी इसको इरेज करेंगे। आप लोग ब्रश का साइज यहां से भी मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और चाहे तो ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करना है, इसका सेलेक्ट पिक्सल, और इसमें ब्रश टूल की हेल्प से कलर फिल कर देंगे। अब हमारी ये दोनों इमेज सेपरेट हो गई है, तो इसको हम अलग अलग यूज करेंगे यहाँ पे। और इसमें हम अब ड्रॉप शैडो यूज करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ से लेयर स्टाइल पैनल ओपन किया है और यहाँ से आपको ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करना है।
सेम हम इसका कॉपी कर लेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल, और इस इमेज को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम। इसको हम बाद में भी मैनेज कर लेंगे अपने टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के बाद। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेक्स्ट, और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हो मेक श्योर कि आपका डिजाइन के साथ मैच होना चाहिए। आप इस तरीके का फॉन्ट अपने फेस्टिवल पोस्ट में यूज नहीं कर सकते, ये क्योंकि काफी ज्यादा प्लेन और सिंपल फॉन्ट है। आप अपने डिजाइन के लिए इसमें कर्सिव फॉन्ट यूज कर सकते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बुल्जीरिया फॉन्ट। ये थोड़ा सा कर्सिव टाइप फॉन्ट है, और इसकी वजह से हमारा जो डिजाइन है वो काफी प्लेन और सिंपल नहीं लगेगा। और इसमें थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए मैं इसमें स्ट्रोक ऐड करूंगी, इसकी गैपिंग को हम यहां से बढ़ा देंगे। यहां से हमारा फॉन्ट टच हो रहा था, इसके लिए मैं यहां से इसकी गैपिंग को थोड़ा सा बड़ा बढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहां से जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट कलर फिल करेंगे, और जो हमने बैकग्राउंड पे कलर ऐड किया हुआ है वही हम फॉन्ट में भी ऐड करेंगे। इसको यहाँ से रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर रही हूँ व्हाइट कलर, और इसका साइज यहाँ पे 9 है, और इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है। 60 पे रख रही हूँ मैं इसकी ओपेसिटी, और आप चाहें तो यहाँ से एक और स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आपको बस यहाँ पे ऐड के आइकन पे क्लिक करना है और ये ऐड हो जाएगा। जो सेकंड स्ट्रोक है उसमें हम बैकग्राउंड से ही कलर पिक करेंगे रेड का शेड, तो मैं थोड़ा सा डार्कर शेड पिक कर रही हूँ यहाँ से, और ओके कर देंगे। और इसमें हमारा जो साइज है वो 18 है, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी को 75 रख रही हूँ। इस इफेक्ट के साथ अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे ऑफ कर दूं, और अब अगर आप देखें तो ये काफी प्लेन लग रहा है। इसकी हेल्प से हमारा जो फॉन्ट है वो काफी बेटर लग रहा है। इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक कोट ऐड करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर रही हूँ, और इसके लिए हम दूसरा फॉन्ट यूज करेंगे। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मॉन्सराट फॉन्ट। यहाँ से मैं पिक कर रही हूँ मीडियम पे, और इसका साइज छोटा कर देंगे हम यहाँ से। और इसका कलर भी हम अपने बैकग्राउंड से पिक करेंगे। अब मैं इस इमेजेस का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा कर रही हूं, इन दोनों इमेजेस का जो हमने साइड में यूज किया हुआ है। और इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम। उसके बाद हमारे पास जो बाकी की इमेजेस है डाउनलोड की हुई उसको हम ऐड करेंगे। उसके लिए मैं इन इमेजेस में से ये रेड वाला और येलो वाले का कटआउट निकाल रही हूँ।
कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट हो जाएगी। इसी तरीके से हम येलो वाले का भी निकालेंगे। ये जो हमारा येलो वाला हैंगिंग है उसको हम बैकग्राउंड के पास यूज करेंगे, क्योंकि येलो के ऊपर येलो नजर नहीं आएगा। इसके बाद हम ये रेड वाला यूज करेंगे, इसको हम लॉक कर देते हैं यहाँ पे। इसको हम येलो लाइन के ऊपर ऐड करेंगे और इसकी डुप्लीकेट लेंगे हम, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसकी डुप्लीकेट लेके हमें इस साइड भी सेम ऐसे ही यूज करना है। और उसके लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। उसके बाद मेरे पास ये दुर्गा माता की इमेज है और ये हमारी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम नवरात्रि के लिए पोस्ट बना रहे हैं और इसको हम टॉप पे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो येलो कलर है वो हमारे बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें ड्रॉप शेडो ऐड कर रही हूँ। आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, बस आपको एरो से ड्रैग करना है और ये इसका एंगल चेंज हो जाएगा। ओके। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गरबा वाली इमेज को यहाँ पे ऐड किया हुआ था, सेव किया था, इसको हम ऊपर लेकर आ जाएंगे। अभी इसको हमें यहाँ नीचे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे कलर ओवरले से इसका कलर चेंज कर रही हूँ। इसमें हम डार्कर शेड लेंगे और फिल कर देंगे इसे, और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे 10 पे रख रही हूँ और इस लेयर को हमें नीचे लेकर आना है। थोड़ा सा और छोटा कर देंगे इसे और इसकी एक और डुप्लीकेट लेके इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हम इसमें से ये दिया कट करेंगे। हमारा डिजाइन बहुत ज्यादा खाली ना लगे इसके लिए मैं यहाँ पे ये दिया यूज कर रही हूँ। और इसकी हम डुप्लीकेट ले लेंगे और सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे, थोड़ा सा छोटा करके। बड़े वाले दिए को हमें ऊपर रखना है, इसकी भी हमें एक डुप्लीकेट लेके और लेफ्ट साइड में भी यूज करेंगे। तो अभी हमारा डिजाइन यहाँ से बहुत ज्यादा खाली लग रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नवरात्रि वाला टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ गरबा नाइट के लिए। मैंने ये सेम इस फॉन्ट का डुप्लीकेट लिया है और इसमें से क्या करना है आपको, ये इफेक्ट है इसको ड्रैग करके डिलीट कर देना है और ये डिलीट हो जाएगा। और अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। और इसका फॉन्ट साइज मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर रही हूँ, इसे सेंटर अलाइन कर देंगे।
अभी ये फॉन्ट बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, तो उसके लिए हम इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक ऐड करने के लिए आपको जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन में और यहाँ पे स्ट्रोक फिल कर देंगे। सबसे पहले आप इसका कलर पिक कर लें और यहाँ से इसका साइज हम 2 ऐड करेंगे और इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे। उसके बाद मैं इस वाले फॉन्ट की एक डुप्लीकेट ले रही हूँ और इसे भी एडिट कर देंगे हम। और इसे थोड़ा सा सेमी बोल्ड पे यूज करेंगे हम। इसके लिए ये कलर बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है, तो उसके लिए आप इसका कलर भी चेंज करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्राइटर ले रही हूँ यहाँ पे और इसका कोड कॉपी कर लेंगे और स्ट्रोक में भी हम चेंज कर देंगे यहाँ से। सेम कलर हम इसमें भी फिल करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमें इसकी एक और डुप्लीकेट लेना है और नीचे भी हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। और इसका कलर आपको डार्क लेना है यहाँ से और इसे इसका जो साइज है उसे भी हम चेंज कर देंगे और सेंटर अलाइन कर देंगे हम। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है और इसका कलर हम सबसे ज्यादा ब्राइटर यूज करेंगे जो हमने बैकग्राउंड में पिक किया हुआ है। इस फॉन्ट में मैं गैपिंग ऐड कर रही हूँ यहाँ से 25। और इसे थोड़ा सा कर्व कर देंगे हम। जूम इन करके आपको एक पॉइंट दिखेगा और यहाँ से बस आपको इसे ड्रैग करना है और इसका कर्व हो जाएगा। उसके बाद इस फॉन्ट की डुप्लीकेट लेके इसे एडिट करेंगे। मैं इसमें यहाँ पे व्हाइट कलर फिल कर रही हूँ। और अब हम इसे सेंटर अलाइन कर देंगे। यहाँ पे आप अपना कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी जस्ट ऐसे ये टेक्स्ट ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा खाली खाली ना लगे। सो दिस इज़ द फाइनल आउटपुट। आप चाहें तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस और कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है, क्योंकि हमने जो पैटर्न यूज़ किया है वो सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर आ रहा है। तो आप इस पैटर्न को इस येलो वाले शेप के ऊपर भी रख सकते हैं और इसकी ओपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग जितना करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे 25 कर रही हूँ तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब जो हमारा पैटर्न है वो येलो शेप के ऊपर भी आ रहा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है और आप चाहते हैं थोड़ा सा प्लेन हो हमारा बैकग्राउंड, तो इसे हम येलो शेप के नीचे कर देते हैं। इससे क्या होगा,
हमारा जो येलो वाला शेप है उसके ऊपर कोई भी पैटर्न नहीं आएगा, सिर्फ बैकग्राउंड पे आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।